हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रचना करेरिया में। आज हम सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है 80 सेंटीमीटर। चलिए तो कटिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे पहले हम। ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, 2 इंच इसमें और जोड़ लेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 15 इंच। 15 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे स्केल से। शोल्डर पे निशान लगाएंगे 5.2 पॉइंट पे, सीधा कर लेंगे। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम। चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है हमारा 9.5 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। हमारा टोटल 11 इंच हो रहा है, उतना ही हम नीचे निशान लगा लेंगे कमर के साइड। कम ज़्यादा नहीं करना है हमको, जितना चेस्ट पे आ रहा है उतना ही हम कमर पे रखेंगे। 1.5 इंच आर्म होल की गोलाई दे देंगे। पहले हम तुरपन के लिए पट्टी लगाते हैं अलग से। हमने इसी में 2 इंच लिया है ना, उसी में से हम पलट लेंगे। अलग से हमें पट्टी नहीं लगाना है। गले की पट्टी रखेंगे हम 5 इंच, बाकी का गला बनाएंगे। 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे गले के लिए। नीचे की साइड लगा लेंगे 3 इंच और इसको सीधा कर लेंगे और गोलाई दे देंगे गले की। कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को रखकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे। और चारों तरफ मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हटा देंगे हम। फिटिंग की तरफ से 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। लाइन खींच लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। 3.5 इंच लिया है, 1 इंच डाउन करेंगे। 2.5 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा के लाइन को सीधा कर लेंगे और 1 इंच जो हमने ज़्यादा लिया था उसे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और लंबाई लेंगे इसकी 6 इंच। गोलाई दे देंगे गले के लिए। आर्म होल को गोलाई दे देंगे। और कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें फ्रंट पार्ट में बढ़ाना नहीं है, जो हमारा बैक पार्ट था उसी हिसाब से हमने इसको कट किया है, क्योंकि हमने बैक पार्ट पर ही 2 इंच ले लिया है। वैसे हम 1 इंच लेते हैं लेकिन
पलटने के लिए, तुरपन के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है हम वो अलग से नहीं लगाएंगे। बेल्ट कटिंग, बेल्ट हम डबल कपड़े का लगाएंगे, इसलिए डबल करके इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा बेल्ट कट गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की लंबाई है 5.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। सीधा कर लेंगे इसको। डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे, ये तुरपन के लिए हम पलटेंगे इसको। इसको भी सीधा कर लेंगे। 3 इंच पर स्लीव्स डाउन करेंगे, पर निशान लगा लेंगे। 9 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। आधा इंच आर्म होल के फ्रंट की तरफ कटिंग करेंगे, जिससे कि आगे की साइड जो फूलता है वो फूलेगा नहीं। आधा इंच ही कट करना है, ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से हमारी स्लीव्स कट कर तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट में जो टक्स डालते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। दोनों शोल्डर पकड़ कर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए 1.5 इंच का गेप देते हुए तीनों टक्स पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का गैप देना है तीनों में। इस तरह से निशान लग जाएंगे। अब हम बैक पार्ट का गला कटिंग करेंगे। स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखना, ये हमारा कटिंग का वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे का वीडियो ज़रूर देखना स्टिचिंग वाला। थैंक यू।